दीदी उम्र तो पावे मैं छोटा हां पर तुम्हारी सेफ्टी लिए मम्मी ने मिन्नू तुम्हारे नाल भेजे क्योंकि मैं उनका शेर पुत्र जो हां दीदी शेर पुत्र है ना तू तो फिर अपने रिश्तेदारों तो डर गया आया बड़ा शेर फिकर ना कर मैं हक गया ना तेरे नाल कुछ नहीं होगा तेनों चल चलिए दीदी मेरी महंगी स्कूल की फीस ली पापा ने थोड़ी पढ़ाई चला दी थी ना फिर तुहानू इन्नी हॉबी की नॉलेज किवें है शुभ टीचर स्कूल के अंदर सिखाता है तो जिहड़ा औखा समा आउंदा ना उह स्कूल तो बाहर तो मैं सारा औखे समय तो ही सीखी हाँ क्योंकि मैनू सीखने की चाह सी इसलिए मैं घर में ही लभ लिया सीखने का राह दादा जी दियां किताबां तो पापा तो मम्मी तो सब को चलिए पर दीदी मैनू टेंशन हो रही है देखो शाम पै रही है हजे तक सानू एक भी जड़ी बूटी नहीं लभी जे पापा आ गए फिर शुभ फिकर ना कर कल पता है ना माँ काली का कितना बड़ा दिन है पापा ना उदी तैयारियों में बिजी होंगे दादा जी ने पापा नू जिहड़ी पटियाला सनोर हाईवे ते सब्जी मंडी है ना उत्थे कल दे भंडारे लिए सब्जियां लैन भेजेगा सो जद तक पापा घर पहुंचेंगे ना असी भी घर आवांगे चल हुण छेती छेती लभिए हाँ माँ काली मदद करो अपनी धी दी देखो मैनू हजे तक गिलोई ते शलगंदा नहीं लभे जे मैं बिना जड़ी बूटियां तो कर गई तो किशन अंकल का इलाज किवें होएगा ते जिहड़े पापा तो डांट सुननी पैनी है वखरी दीदी वो देखो अश्वगंधा ते ओदे नाल ही गुड़ूची दा पौधा भी सच्ची मेरी कोई दुआ खाली नहीं जांदी सारियां मुरादां पूरी कर देंदी है मेरी माँ काली जय माँ काली थैंक यू माँ काली तो वैसे मैं तुम्हें इन्हें निक्के निक्के कमां लई परेशान करना तो नहीं चाहती पर की करा जे मैं तुहानू तंग नहीं करांगी ना तो उत्थे पापा ने मम्मी नू मेरे बारे पूछ पूछ के परेशान कर देना है वैसे ना मैं कल तुम्हें अपने तरीके नाल आरती भी जाके थैंक यू कहांगी दीदी तुम चलिए हाँ हाँ शुभ चल भज घर भी जाना है माँ काली नाल गल करद्या करद्या टाइम का पता ही नहीं लगता सब शारदा चुप कितनी वो इन्ने खतरनाक जंगल च मेरे मुंडे नू अपने नाल लेके गई देख मैं कह रहा हूं जे मेरे मुंडे नू कुछ हो गया इस कुड़ी नू मैं छड़ना नहीं दीदी डरो ना मैं हैगा ना तुहाडे भरा मैं तुहानू बचावांगा माँ काली रखिया करेगी दीदी सब तुहानू दस लेगा एलो गिलोई ते अश्वगंधा एनू मिश्री विच पाके ना किशन चाचा नू दे देना थोड़ी जी ताकत आएगी इन्हां दे विच ते नाले अश्वगंधा दा तेल भी बना देना ठीक है पुत्र इन्नी देर क्यों लग गई पुत्र तेनू दादा जी सानू गिलोई दा पौधा लभ ही नहीं रहा सी नाले उत्ते माली भी नहीं हैगा सी ते मैनू ते शुभ नू अंदर तक जाना पिया पौधा लैण लई कोई नहीं मिलिया सी तो वापस आ जाना सी वापस आ जांदी
जे वापिस आ जाती तो किशन अंकल का इलाज कि होता? फिर चंगे काम लिए तो माँ काली भी मदद कर दी ना। देखो असी सही सलामत घर आ गए। गल्ला तो तेरे तो कोई नहीं जीत सकता पुत्र। ले किशना आप ही ले, ये तेनों फर्क पाएगा। किशन चाचा कल सवेरे फिर तो आना। साडे लई तां तू ही माँ काली का रूप है, सारे पिंड लई वरदान है तू। तेरे हत्थां विच ऐसा जादू है, तू जिहड़ी वी जड़ी बट्टी नूं हत्थ ला देवें उह दवाई बन के साडियां बीमारियां दूर कर दिंदी है। तेरे माँ प्यो खुशकिस्मत ने कि तू उहनां दी धी है। तू पुत्तां नालों घट नहीं है धीए, तेरे जी धी रब सब नूं देवे, सदा खुश ही रही। यशदीप मैं चलता, कुछ आराम आया। हेलो जी, थोड़ा डुब्बा, तुम शामी कितने बजे वापस आओगे? जिन्ने बजे रोज आना है उन्ने बजे। शुक्र है शाबी इत्थे रख गए। माँ काली उस कुड़ी दे नाल साडी सब दी भी माँ है, इस करके तुहानूं माँ दे दर्शन करन वास्ते कुड़ी ते डिपेंड होण दी कोई लोड़ नहीं। मैं तुहानूं सारयां नूं माँ दे दर्शन करवाउणे ने, इस करके मैं दरवाजा तोड़न लगा। नहीं कृपाल, ऐ कम ठीक नहीं। माँ काली तो आग्या लैण दा नियम कई सालों तो चलता आ रहा है। जिदा साडे घर बिना बूआ खोले कोई नहीं वड़ सकदा, उदा ही माँ काली दे घर जबरदस्ती किस तरह जा सकते हैं? हाँ किते ए ना होवे कि थोड़ी एक गलती के कारण माँ काली के गुस्से का प्रकोप पूरे पिंड नूं झलना पवे। वो ये सब वादू गल्लां ही ने। माँ काली मैं जानती हाँ तुसी अज के दिन मेरी पुकार जरूर सुनोगे। मैनू पता है तुसी मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर कोई ना, दुख होवे या सुख मैं तुहाडी शरण विच ही आना है। मैं भी हार नहीं मननी क्योंकि मैं हाँ तुहाडा ही परछावां। मैं फटाफट चुक लेनी हूँ। ओ कुड़ी उदों ही कमरे च बाहर आऊगी जदों मैं चाहवांगा, सो मेरे पिछों नूं कमरे च बाहर कढ़ण दी कोशिश ना करी। पता है ना तुम्हें? रुक जा कृपाल, बचपन तो मैं काली माँ का भगत हाँ, हूँ तो मैं जान गया माँ की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो शायद काली माँ यह चाहती है इस कबाड़ को कुड़ी ही खोले। नहीं कुड़ी बुलाओ क्योंकि दौरे तो मैं जाने लेट हो सकता, पर मैं काली माँ नाराज नहीं करना चाहता।